पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर के दशहरा के लिए किस तरह से रथ तैयार किया जाता है, किस तरह से इस त्यौहार को मनाने के लिए काछन देवी से अनुमति मांगी जाती है। आइए कुछ और नज़दीक से समझें बस्तर के दशहरा को। काछन यात्रा के दूसरे दिन गांव आमाबाल के हलवा समुदाय का एक युवक दशहरा पर्व को निर्विघ्न रूप से होने और लोक कल्याण की कामना को करते हुए जगदलपुर के सिरासार में 9 दिनों तक निराहार रहकर योग साधना में बैठ जाता है। इस दौरान हर रोज शाम को दंतेश्वरी माँ के छत्र को फूल रथ में विराजित करके जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर, सिरासार चौक, जयस्तंभ चौक और मिताली चौक की परिक्रमा कराई जाती है। इस रथ में माई जी के छत्र को बकायदा सशस्त्र सलामी दी जाती है। विज्ञान ने आज चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, पर यहाँ आज भी सब कुछ पारंपरिक तरीके से ही होता है। आज भी बस्तर के दशहरा के पारंपरिक विधानों में मशीनों का प्रयोग वर्जित होता है। आज भी पेड़ों की छाल से तैयार रस्सी से ही ग्रामीण रथ खींचते हैं। पुजारी, भक्तों और राज परिवारों के सदस्यों की मौजूदगी में अश्विनी अष्टमी को निशा यात्रा रस्म संपन्न की जाती है। इस दौरान बकरा, मछली और कबूतर की बलि दी जाती है। निशा यात्रा में देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए 16 कांवड़ भोग प्रसाद को यादव जाति और राज पुरोहित मिलकर तैयार करते हैं, जिसे दंतेश्वरी मंदिर से यात्रा स्थल तक कांवड़ में पहुंचाया जाता है। निशा यात्रा का बस्तर के दशहरा में विशेष महत्व है। बस्तर दशहरा पर्व में एक और खास रस्म होती है, वो है भीतर रैनी रस्म। इस रस्म में 8 चक्के के विशालकाय नए रथ को देर रात शहर में परिक्रमा कराने के बाद आधी रात को माड़िया और गोंड जनजाति के लोग इसे चुरा कर शहर से लगे कुमड़ाकोट गांव ले जाते हैं। ये रस्म उन राजशाही दिनों की याद को ताज़ा करने के लिए मनाई जाती है, जब राजा के शासन से असंतुष्ट ग्रामीणों ने नाराज होकर आधी रात को रथ चुरा कर कुमड़ाकोट के जंगलों में कहीं छिपा दिया था, जिसे ढूंढते हुए राजा दूसरे दिन कुमड़ाकोट पहुंचकर ग्रामीणों को मनाकर उनके साथ भोजन किया करते थे। इसे ही बाहर रैनी रस्म कहा जाता है। उसके बाद राजा शाही अंदाज में उसी रथ को वापस जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लेकर आए थे। उसी घटना का दोहराव इस रस्म के माध्यम से किया जाता है। यही है बस्तर दशहरा का भीतर रैनी रस्म। रावण दहन करके देश भर में मनाए जाने वाले दशहरा से बिल्कुल अलग होता है बस्तर का दशहरा। इसे बहुत कुछ रथ उत्सव की तरह मनाया जाता है। प्रकृति की गोद में बसे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में यहाँ के आदिवासियों के द्वारा प्राचीन परंपरा को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए मनाया जाने वाला दशहरा पर्व इतना दिलचस्प होता है कि दूर दूर से सैलानी इसे देखने, इसमें शामिल होने चले आते हैं। प्राचीन काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था, जो कि रावण की बहन सुर्पणखा की नगरी हुआ करती थी। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप धर के बस्तर में ही भस्मासुर का वध किया था। दूसरी अन्य धार्मिक कथाओं को बस्तर के वनवासियों ने इतनी महत्ता दी है कि दशहरा में यहाँ रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि विशालकाय रथ चलाया जाता है। इस रथ में बस्तर संभाग के असंख्य देवी देवता के छत्र को डोली पर्व में शामिल किया जाता है। बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी से रथपति की उपाधि पाने के बाद दशहरे के अवसर पर बस्तर में रथ परिक्रमा की प्रथा आरंभ की थी, जो कि आज तक चली आ रही है। 75 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में और भी बहुत सी रस्म रिवाज है, जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। छुपी हुई उन तमाम बातों को जानने के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिएगा हमारे अगले अंक में भी।